नमस्कार दोस्तों वेलकम कि, कि जो मार्केट है 18,800 से भी जाकर आ गया। और लैपटॉप पर देख रहा हूं अठारह के ऊपर आज दोस्तों इधर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि मार्केट इधर कंटिन्यू बढ़ती हुई जारी अठारह हजार आठ सौ अठारह हजार आठ सौ पचास आठ सौ साठ अठारह हजार नौ सौ तक भी इधर मार्केट ने इधर दोस्तों पहुंचने की कोशिश की है लेकिन इतनी मार्केट बढ़ने के बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अगर करते हो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन अभी भी दोस्तों वो जो स्टॉक है अभी अपने जिस लेवल पर होने चाहिए उस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहे यानी दोस्तों जिसको हम अंडर वैल्यू स्टॉक भी बोल सकते हैं जो आने वाले समय में हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्टॉक इधर छलांग लगाते हैं फिर डाउन आ जाते हैं और बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों जब मार्केट बढ़ती है तो कुछ ऐसे स्टॉक रह जाते हैं भैया जो उस गति के हिसाब से नहीं बढ़ पाते और वो अंडर वैल्यू हो जाते हैं लेकिन एक आने वाले समय पर जो वो स्टॉक्स हैं क्योंकि उनके फंडामेंटल

प्रॉफिट नहीं कमा पाते लेकिन उससे ज्यादा दोस्तों इधर ब्रोकरेज दे देते हैं उससे भी कैसे छुटकारा पाया जाए वो भी हम इस वीडियो में दोस्तों कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और उधर पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हैं कि भैया ऐसे पांच कौन से अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में वो एक अच्छा रिटर्न दे सके तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैं इधर जो एम स्टॉक भाई मेरे एसेट का दोस्तों जो मेरा डीमेट अकाउंट मैंने ओपन करवा रखा मैं जितनी भी मेरी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग है एम स्टोक भाई मेरे ही एसेट के द्वारा करता हूं क्योंकि सबसे पहले तो दोस्तों इसका जो यूजर इंटरफेस है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और दूसरा खास बात क्या है दोस्तों मैं इधर सालाना मेरा जो लाखों रुपए का जो ब्रोकरेज है वो इस डीमेट अकाउंट के थ्रू बचा लेता हूं अगर आप भी दोस्तों जो अगर ब्रोकरेज से परेशान है कि भैया आप जो बहुत सारे इधर इंट्रा डे डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन आईपीओ म्यूचुअल फंड के ऊपर अपने ब्रोकर को अगर आप इधर बहुत सारी ब्रोकरेज देते हैं अगर उससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो भैया एम स्टोक भाई मिराई एसेट इसका रामबाण इलाज है जो तो जो जो यूजर इंटरफेस है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इधर सबसे पहले देखिए इधर आपको जो टोटल एसेट है इक्विटी में कितने म्यूचुअल फंड में कितने कैश में कितने सब कुछ आपको इधर फ्रंट पे दिखाई देने मिल जाता है साथ में दोस्तों जो हमारे देश के जो की इंडीसीज है मार्केट के जैसे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी वो भी सब जो इधर आपको फ्रंट में ही दिखाई दे जाएगा उसके बाद जो ग्लोबल इंडीसीज है जैसे कि डाउजोन्स है नासदाक है एस एंड पी है सी एस सी फोर्टी है वो भी आपको इधर एक साइड में दिखाई दे जाते हैं यानी भैया यूजर इंटरफेस बहुत ही स्मूथली है और इसकी एक खास बात और जैसे इधर आप लोग देख रहे होंगे जो एफ यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इधर भी आपको दिखाई दे जाएगा ताकि जो एक मार्केट की हमें ट्रैकिंग पता लग जाती कि है कि भैया मार्केट किस साइड जा रहा है उसके बाद आपको जो पॉपुलर स्टॉक्स है गेनर लूजर बाई वैल्यू बाई वॉल्यूम वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे जाते हैं यानी कि अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड मार्केट से रिलेटेड अगर आपको वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे जाती है जिससे कि भैया इसलिए मैं इसको बेस्ट मांगता हूँ और भैया ब्रोकरेज तो बिल्कुल फ्री है यानी यहाँ पर आप इक्विटी इंट्रा डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जितने भी दोस्तों इधर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग आई म्यूचुअल फंड के अंदर कितनी भी ट्रेडिंग कीजिए कितनी भी इन्वेस्टिंग कीजिए यानी कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है लाइफ टाइम सब कुछ फ्री है तो चलिए जो हमारे जो बेस्ट पांच स्टॉक्स हैं दोस्तों वो देख लेते हैं कि भैया जो अभी अंडर वैल्यू मुझे पर्सनली दिखाई दे रहे सबसे पहले दोस्तों जो मेरा फर्स्ट स्टोक आ जाता है देखिए इधर मैं इसके ऊपर कोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूं वो आ जाता है गोदावरी पावर ये एक पावर सेक्टर से रिलेटेड दोस्तों स्टॉक्स है जैसे कि दोस्तों आप इधर गोदावरी पावर को इधर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो स्टॉक है दोस्तों ओपन हुआ था, था तीन रुपए में और हाई तीन गया था लो तीन गया था अगर आप इसकी दोस्तों वैल्यू देखेंगे तो इस हिसाब से मार्केट कैप अगर हम देखते हैं तो पांच करोड़ रुपए का मार्केट कैप है बावन वीक इसका हाई गया चार सौ तिरानवे रुपए और बावन वीक लो गया इसका दो सौ तेईस रुपए अगर इसके आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इसकी फेस वैल्यू स्टॉक की पांच रुपए है बुक वैल्यू है दो सौ चवालीस पॉइंट नाइन फोर पीई रेशियो फोर पॉइंट फोर फोर है मुझे इसका पीई रेशियो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और अगर आप इसका देखोगे दोस्तों डिविडेंड इल्ड देखोगे तो डिविडेंड इल्ड भी फोर पॉइंट जीरो सेवन है और इसका दोस्तों अगर आप चार्ट देखेंगे देखिए जो गोदावरी पावर का देखिए चार्ट आप देख लीजिए इस लेवल के ऊपर दोस्तों स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट का काम किया था उसके बाद जो स्टॉक है ऊपर गया और इस लेवल के ऊपर आज की डेट में ट्रेड करा दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है वो भी मुझे मेरे दोस्तों मेरा जो फेवरेट स्टॉक है नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो स्टॉक आ जाता है वो आ जाता है शारदा एनर्जी इधर आप शारदा एनर्जी को देख रहे होगा देखिए जो ओपन है एक हजार पे हुआ था उसके बाद हाई एक और लो एक गया था अगर उसके बाद हम इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो देखिए मार्केट कैप है तीन करोड़ रुपए का मार्केट कैप है जो कि बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है और दोस्तों बावन वीक लो है सात रुपए के ऊपर जो स्टॉक गया था अगर आप इसकी फेस वैल्यू देखोगे दस है बुक वैल्यू है इसकी सात सौ पिचानवे पॉइंट फोर सेवन और अगर आप इसका पीई रेशो देखोगे देखिए फाइव पॉइंट टू वन है डिडेंडीसी जीरो पॉइंट सेवन टू है तो मुझे इसका पीई पर्सनली पसंद है और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए इसका जो चार्ट है इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने अगर आठ सौ रुपए के ऊपर एक स्पोर्ट बनाया था उसके बाद जो स्टॉक है आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली एक हजार रुपए के ऊपर इधर ट्रेड कर रहा है तो ये दोस्तों ये दो स्टॉक हमारे हो गए नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा स्टॉक आ जाता है ये भी मेरा जो फेवरेट स्टॉक है क्योंकि इसके अंदर भी मैंने अपनी जो पर्सनल इन्वेस्टिंग है वो इधर कर रखिए नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा स्टॉक आ जाता है वो जाता है इंडियन मेटल्स जैसे कि दोस्तों जो इंडियन मेटल का जो चार्ट आप लोग इधर देख ले जो कि एक मेटल सेक्टर से है अगर आप इसका ओपन देखेंगे दो सौ छियासठ रुपए पचास पैसे दो सौ तिहत्तर रुपये पचहत्तर पैसे और अगर आप इसकी मार्केट कैप देखेंगे तो एक हजार चार सौ चौवन करोड़ रुपए इसका जो मार्केट कैप है और बावन वीक हाई स्टॉक का पांच सौ तेरह रुपए है अगर आप इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए जो फेस वैल्यू दस है तीन सौ पैंतीस पॉइंट नाइन फोर है इसका पीई रेशियो देखिए थ्री पॉइंट फोर नाइन जो बहुत ही कम है और ये बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए अगर इसका डिविडेंड इल्ड देखते हैं तो फोर पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट जो डिविडेंड इल्ड है सालाना सालाना जो स्टॉक दे रहा है अगर इसका आप एडवांस चार्ट देखते हैं देखिए जो इंडियन मेटल का देखिए अगर आज की डेट में आप स्टॉक देखोगे तो दो सौ रुपए के आसपास स्टॉक नेक्स्ट इधर स्टोंग स्पोर्ट का, का काम किया था और उसके बाद दो सौ रुपए के आसपास दोस्तों जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है तो मेरा दोस्तों ये भी पर्सनली जो स्टॉक है मुझे अच्छा लगता है उसके बाद जो नेक्स्ट दोस्तों हमारा स्टॉक आ जाता है जिंदल फोटो जैसा कि आप लोग इधर स्क्रीन के ऊपर जिंदल फोटो की जो डिटेल है वो देख रहे होंगे जो ओपन है तीन सौ अड़तालीस रुपये पैंतीस पैसे पे हुआ था उसके बाद हाई तीन सौ बावन रुपये पैंतीस पैसे और अगर आप बावन वीक लो देखते हैं तो एक सौ रुपए पैसे के ऊपर स्टॉक गया था और अगर आप इसका मार्केट कैप देखते हैं तो वो भैया तीन करोड़ रुपए पे है दोस्तों तो आप एम स्टॉक भाई मेरे ही एसेट पर देख रहे हो जो मेरा पर्सनली जिसके द्वारा मैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता हूं फेस वैल्यू स्टॉक की है दस बुक वैल्यू है चौदह रुपये एक पैसे और अगर आप पीई e. रेशो देखोगे तो इधर दोस्तों पीई e. रेशो जीरो दिखा रहा है यानी यह भी स्टॉक दोस्तों अंडर वैल्यू अभी आ रखा है अगर आप इसका एडवांस चार्ट देखोगे तो देखिए जो ये एडवांस चार्ट है इधर जिंदल फोटो का अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे तो जो स्टॉक है ना अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तीन सौ सत्ताईस रुपये बीस पैसे के आसपास तो इस लेवल के ऊपर दोस्तों जो ये स्टॉक है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट दोस्तों जो मेरा स्टॉक आ जाता है वो आ जाता है क्वालिटी फार्मा क्योंकि मुझे लगा भैया एक जो है ना फार्मा सेक्टर से भी होना चाहिए स्टॉक क्योंकि फार्मा सेक्टर आज की डेट में आप लोग देख रहे होगा काफ़ी अंडर वैल्यू चल रहा है अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि फार्मा सेक्टर से रिलेटेड और फार्मा है उसके बाद जो दूसरी और फार्मा कंपनी है उसके ऊपर आपने डिटेल इधर देखी होगी अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर बात करूँ क्वालिटी फार्मा की तो देखिए जो स्टॉक है इधर ओपन हुआ था, था तीन सौ पे हाई तीन सौ ही गया था और लो तीन सौ पे गया था अगर इसका मार्केट कैप देखोगे तो वो तीन करोड़ का और बावन वीक हाई अगर आप देखोगे तो एक हज़ार पे जो स्टॉक है दोस्तों टच करके आया है तो आप लोग खुद इसका आइडिया लगा सकते हो कि स्टॉक क्यों इतना ज्यादा इधर अंडर वैल्यू हो रखा है अगर आप इसकी फेस वैल्यू है दस बुक वैल्यू एक सौ चौरानवे पॉइंट जीरो फाइव पीई रेसो इसका स्लाइटली मुझे थोड़ा सा हाई लगता है सेवन पॉइंट फाइव लेकिन अगर आप इसका डिविडेंड रिल देखोगे तो भैया वो डिविडेंड रिल जीरो कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है तो ये जो पांच स्टॉक मुझे बेस्ट लगते हैं अगर आप इसका एडवांस चार्ट देखोगे भैया क्वालिटी फार्मा का तो देखिए अगर आप इस लेवल के ऊपर देखोगे 320 या तीन रुपए इसका एक्सपोर्ट जोन है और मुझे यही बेटर लगता है कि भैया जो स्टॉक है इधर अपने एक्सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो स्पेशली दोस्तों जो ये पांच स्टॉक है मुझे आज की डेट में लगता है कि भैया ये पांचों स्टॉक अभी अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहे हैं और इनके अंदर हमारा जो इन्वेस्टिंग होना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें एक अच्छा रिटर्न इधर से मिल सके और ये सब दोस्तों मैं पॉसिबल कर पाता हूँ ये इतनी सारी जो डिटेल मुझे मिल पाती है वो मिल पाती है एम स्टॉक बाई मेरे ही एसेट के द्वारा क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है और दूसरा यहाँ पर आपको अगर फर्दर और एनालिसिस करना वो भी आपको एम स्टॉक पर मिल जाएगा तो अगर आपको भी चाहिए कि भैया जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम क्योंकि यहाँ पर अगर आप डिलीवरी इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन आईपीओ म्यूचुअल फंड किसी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अगर इधर एम स्टॉक भाई मेरा ही एसेट के द्वारा करते हो तो लाइफ टाइम यानी जिंदगी भर आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है यानी आप इधर से लाइफ टाइम आपको फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट मिलेगा और इसका दोस्तों अकाउंट ओपन करना बिल्कुल ही सिंपल है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो स्क्रीन है आपके सामने आएगी इधर सिंपली आपको जो आपका मोबाइल नंबर है गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना या फिर ओपन एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर आपकी ईमेल आईडी उसके बाद आपका पैन कार्ड यानी केवाईसी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो करके मात्र पांच मिनट के अंदर

आप अपना जो डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो जैसे दोस्तों आप इधर डीमेट अकाउंट ये ओपन हो जाता है इस प्लान के साथ आपका इधर डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड आईपीओ यानी कितनी भी आप इधर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कीजिए बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है यानी आपको इधर कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी दोस्तों जो इनका दूसरा प्लान है यानी सेकंड प्लान है ट्रिपल नाइन का अकाउंट ओपनिंग चार्ज प्लस अठारह परसेंट जीएसटी प्लस दो परसेंट पार्टनर फ्री के साथ बारह सौ सात रुपये इकतीस पैसे के साथ इधर आप जो है अकाउंट ओपन करवा सकते हो लेकिन दोस्तों इसमें आपको जो है एक सौ बीस रुपये पर क्वार्टरली इधर जो एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी उसके बाद यहां पर भी आपका इधर दोस्तों डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन आईपीओ म्यूचुअल फंड के अंदर लाइफ टाइम इधर भी आपको फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट मिलेगा दोस्तों जो इनका नेक्स्ट है यानी थर्ड प्लान है, वो है एक सौ उनचास रुपए का अकाउंट ओपनिंग चार्ज 18 जीएसटी 2 परसेंट पार्टनर फ्री के साथ टोटल एक रुपए और सात पैसे के साथ इधर आप अपना जो अकाउंट ओपन करवा सकते हो लेकिन दोस्तों यहां पर आपका जो डिलीवरी आईपीओ म्यूचुअल फंड ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा लेकिन इधर अगर आप इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहां पर आपको बीस पर ऑर्डर के हिसाब से We'll be right <laughs> back. वो पेमेंट करनी पड़ेगी बाकी इधर सब कुछ आपका दोस्तों जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है वो फ्री होगा तो इन तीनों प्लान में से किसी भी प्लान के द्वारा इधर जो अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो तो दोस्तों आप लोग इधर सीख चुके हैं कि भैया पांच ऐसे स्टॉक जो आज के समय में अंडर वैल्यू है उनके द्वारा आप इधर जो है अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो साथ में एम स्टॉक बाई मरई एसेट के द्वारा इधर आप लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज का बेनिफिट उठा सकते हो यानी आपको जिंदगी भर कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों आज ही अपने जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग

कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग